हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। ये है दोस्तों हमारी सीरीज 2 पॉलिनोमियल्स, हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 12। आज हम बात करेंगे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों हमने हमारी जो लास्ट 2 एपिसोड्स थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटीज, द बेसिक 8 आइडेंटिटीज दोस्तों दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, एंड दैट उन आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटीज क्या हैं and how do we apply those identities on some simple questions. So आज दोस्तों we are going to take a look at some of the comparatively more difficult questions for those identities. चलिए शुरुआत करते हैं। We will do a quick recap दोस्तों what those identities are. So ये है 8 identities दोस्तों that we want to discuss. So the first one is x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. Now दोस्तों very quickly, identities का मतलब ये है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड जहाँ भी अप्लीकेबल है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल हमेशा आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिटी। सो चलिए दोस्तों, नाउ दैट सेड लेट अस गो थ्रू दिस। सो ये है आपकी पहली आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड वन सेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। फोर्थ वन दोस्तों इज x प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी। अगर ऐसी होती है एंड इफ यू हैव टू एक्सपैंड इट यू विल गेट समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। एंड नाउ दोस्तों वी विल टॉक अबाउट हमारी जो फिफ्थ आइडेंटिटी है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नाउ देन वी टॉक अबाउट आर द लास्ट 3 आइडेंटिटी। यहाँ पे दोस्तों इफ यू लुक एट आइडेंटिटी 6 and 7 यू विल सी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब एंड दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3xy टाइम्स एक्स प्लस वाई। एंड सिमिलरली एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy टाइम्स एक्स माइनस वाई। एंड फाइनल हमारी आइडेंटिटी जो है दोस्तों आइडेंटिटी 8 दैट हैज एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z times x square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now दोस्तों एक चीज़ है before we jump into the some of the difficult questions on these identities, एक चीज़ that we want to discuss is, आप गौर से अगर आप notice करोगे you can see that how ये जो हमारी पहली 4 identities है इनको let us call them हमारी first set of identities. And क्यों हम इन्हें इसे ग्रुप में डाल रहे हैं दोस्तों इज बिकॉज यू विल सी इन आइडेंटिटीज में वी हैव 2 टर्म्स या फिर 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एंड मैक्सिमम पावर दैट वी आर डीलिंग विद स्क्वायर। यहाँ पे यू हैव 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड मैक्सिमम पावर इज स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी में भी द सेम थिंग, थर्ड एंड फोर्थ में इट इज द सेम थिंग। सो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब कभी यू हैव एनी इन अ क्वेश्चन जहाँ पे यू हैव 2 वेरिएबल्स या 2 टर्म्स एंड मैक्सिमम पावर स्क्वायर, आपको इमीडिएटली यू हैव टू रिलेट उन क्वेश्चंस को टू दीज 4 आइडेंटिटीज, वन ऑफ दीज 4 आइडेंटिटीज। देन दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट दिस आइडेंटिटी जिसे वी आर गिविंग इट इट्स ओन ग्रुप, अ सेपरेट कैटेगरी। ये है आइडेंटिटी 5। सो इसमें व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस दोस्तों, द स्पेशलिटी ऑफ दिस आइडेंटिटी इज दैट दिस इज द ओनली आइडेंटिटी जहाँ पे यू हैव एक्चुअली 3 टर्म्स या 3 वेरिएबल्स x, y and z, and maximum power you have is a square. So आप नोटिस करोगे यहाँ पे दोस्तों you have a x, a y and a z, 3 term, 3 variable, and you have a maximum power square. Now दोस्तों if you look at these 2 identities, well, let's call it group 3. These 3 identities दोस्तों, these 2 identities are unique because यहाँ पे you have 2 variables x and y and they are raised to a cube. आपकी 2 variables है and they are raised to a cube. And दोस्तों finally we call this our 4th identity, you know, or again something that has its own group. This one is special दोस्तों because यहाँ पे you have 3 identities. This is the only identity जहाँ पे you have 3 variables. You have x, y and z and you are dealing with a cube. एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये दिस इज द ओनली आइडेंटिटी आप नोटिस कीजिए दोस्तों जहाँ पे यू हैव 3 वेरिएबल्स एंड यू हैव क्यूब्स हियर। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों अबाउट यू नो एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटीज इज दैट आपको क्वेश्चन देख के आपको इमीडिएटली यू हैव टू बी एबल टू रिलेट दैट क्वेश्चन टू कौन सी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी है जो आपको यूज़ करनी है। अगर आप उसमें इफ़ यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देन आपको यू विल रन आउट ऑफ टाइम टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ विद दिस बैकग्राउंड दोस्तों लेट अस गेट स्टार्टेड ऑन सम ऑफ आवर एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों इज लेट अस से आपको सिंपली कहा जाएगा फैक्टराइज कीजिए। सो वी हैव यू नो टू सेव सम टाइम वी हैव रिटन टू एक्सप्रेशंस। सो आप नोटिस कीजिए दोस्तों द फर्स्ट वन यहाँ पे है यू हैव two variables x and y, right, and maximum power is 2. So that means this has to be one of the first four identities. उसके बाद हम क्या notice करते हैं दोस्तों is that ये जो 9 है we can write this as 3 square and this is important दोस्तों because this is something that you will always want to do कि जो terms है जो coefficients है can they be whole square or whole cube, that is something you are always trying to find out. So, इसका मतलब ये हो दोस्तों कि अगर इफ दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फोर आइडेंटिटीज एंड यहाँ पे दे आर ऑल प्लस सो इसका मतलब है मे बी दिस इज समथिंग लाइक यू नो लाइक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर समथिंग ऑफ दैट नेचर वी विल गिव इट अ ट्राई। सो हम देखते हैं एक्स को लिख सकते हैं क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस इसे ब्रेक डाउन करने के पहले दोस्तों लेट अस राइट दिस टर्म क्लियरली हम 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर because 3 3s are 9 and y times y is y square. Then दोस्तों अगर if we have to write this in one of the first four identities, so let us see if we can really write it as x square plus y square. So if it is x plus y whole square, बीच की term will be 2xy. So ये है हमारी 2x and y. And now let us make sure that if this is indeed equal to the middle term. So 2 times 3 is 6 and x times y is xy. So हमने देखा दोस्तों indeed you can actually write this as x plus 3y whole square. So हमने देखा दोस्तों कैसे करके हमें दी गई थी एक simple expression and we are able to find out दो factors of उस expression की। Now दोस्तों आप अगर हमें कहोगे कि how about we would have used middle term factorization, right? And I will say yes, you can definitely try middle term factorization दोस्तों and you will still come up with the same two factors, right? Now also let us take a look at the next example. Now in this example what we realize is that 4 can be written as 2 square. So पहली term को हम लिख सकते हैं like this and similarly जो हमारी last term है उसे we can write it as 3y square. Again यहाँ पे ये important दोस्तों because 2 square is 4, right, and then 3 square is 9. Now दोस्तों then in the middle we have a minus. So again यहाँ पे दोस्तों we have two variables and a square. So we are thinking at this point this is maybe more along lines of x minus y whole square format, right? So अगर so the first one हमारी ये थी x plus y whole square. We use this identity, right, x square plus 2xy plus y square, and this time also because we have a minus in the middle and we have xy key term, so we are thinking this may be a x minus y whole square key term. So आपको मालूम है if it is x minus y our identity 2 whole square is basically x square minus 2xy plus y square. अगर ऐसा है दोस्तों so what we will want to do is हमारी x की टर्म है ये दिस इज आर x एंड दिस इज आर y, राइट. सो आइए एक बार चेक करते हैं जो हमारी 2xy की टर्म होगी और इफ यू रियली वांट टू थिंक इट लाइक दिस सो हमारी जो 2xy की टर्म होगी सो 2x इज दिस एंड y इज दिस. चलिए अगर इफ यू डू इट व्हाट विल यू गेट सो माइनस 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 2 टाइम्स 2 इज 4 टाइम्स 3 इज 12 and xy. So indeed हम देखते हैं दोस्तों कि if you do it this way you get minus 12xy. So हम ये minus 12xy को we can write this as 2 times 2x times 3y. Now at this point दोस्तों आप देखोगे clearly this is nothing but 2x minus 3y whole square. ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यू शुड नॉट एक्चुअली मेक दिस अ प्लस देन आपकी पूरी आंसर गलत हो जाएगी. द अदर थिंग दोस्तों इज दैट वॉट इफ अगर आपको यहाँ पे 13xy दिया जाता और 14 और समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू -12, देन आप इसे ऐसे करके नहीं लिख पाते. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप इवन दो यू रियलाइज कि आप कौन सी फॉर्मूला या कौन सी आइडेंटिटी इसमें मोस्ट लाइकली अप्लाई होनी है, यू हैव टू चेक टू मेक श्योर कि दैट इज इंडीड एक्यूरेट, राइट. चलिए दोस्तों, नाउ वी विल मूव ऑन टू सम ऑफ आवर नेक्स्ट एग्जांपल्स. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दोस्तों आपको कभी कभी आपसे पूछा जाएगा इज दैट एक्सपैंड द फॉलोइंग. यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको दी गई है तीन टर्म, तीन वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड एंड होल स्क्वायर. The moment you see something like this, आपको immediately you have to realize ये है about identity 5. So identity 5 क्या है दोस्तों? x plus y plus z whole square, right? So that actually will be equal to x square plus y square plus z square plus 2xy, 2yz and then 2 x z या zx, because यहाँ पे हमारी तीन वेरिएबल है and we have a square and clearly दोस्तों this is a expand the following. आपको simply आपसे कहा गया है कि आप इसे expand कीजिए. Now दोस्तों before you start expanding आप realize करोगे what is this minus z, because हमारे फॉर्मूला में जो तीन टर्म या तीन वेरिएबल है they're all positive. हमें कोई फॉर्मूला ऐसी मालूम नहीं है जहाँ पे any of these term is negative. तो आप देखोगे दोस्तों before you do it what you will do is आप you can write this as x plus 2y plus minus z whole square. So हमने क्या किया दोस्तों, काफी you know smartly what we did was we converted a minus term to a plus term. So अभी ये बन गई हमारी first term, second term plus third term. अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो so indeed this is minus z, but because हमें मालूम है this formula we want to convert it in this format. Now जहां जहां भी अभी हमें x की term है we have to put x, जहां जहां हमारी y की टर्म है वी हैव टू पुट 2y बिकॉज दिस इज आवर y की टर्म, एंड जहां जहां पे z है वी हैव टू पुट इट रिप्लेस इट बाय माइनस z बिकॉज दिस इज आवर z की टर्म. एट दिस पॉइंट दोस्तों यू जस्ट हैव टू एक्सपैंड इट एंड सॉल्व दिस. सो आपकी दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy plus 2yz plus 2zx. Now अगर आप इसे if you know write it down, ये बन गई आपकी x square plus 2 2s are 4, ये बन गई 4y square minus z times minus z is plus z square. Now दोस्तों this term will be 2 times 2 is 4, so ये बन गई 4xy. This term दोस्तों is you have a plus 2 and minus 1, so 2 2s are 4 but this is a negative term, ये बन गई minus 4yz, and this term दोस्तों you have a plus 2 and a minus 1, so this will be again a negative term minus 2zx. So दोस्तों ये है आपकी आंसर. दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन. ना दोस्तों चलिए ना लेट्स टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल. सो इस एग्जांपल में आप नोटिस कर रहे हो कि यू हैव अगेन थ्री टर्म्स, यू नो 1 a b, एंड चलिए लेट अस कॉल इट एज c इंस्टेड ऑफ z, लेट अस कॉल इट एज c. सो अगेन यू हैव थ्री टर्म्स, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंगली दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म्स है दे आर फ्रैक्शंस, लाइक यहाँ पे यू नो a/2 b/3 ऐसे करके दी गई है. सो इसका मतलब ये है कि डू वी नीड टू हैव समथिंग एल्स दोस्तों, और वी कैन स्टिल यूज दिस फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला. आंसर इज दोस्तों वी कैन स्टिल यूज द सेम फॉर्मूला. सो व्हाट वी विल डू इज वेल, पहले तो है एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट यू नो री राइट दिस, राइट. इसे हम ऐसे करके लिखते हैं, we will write a/2 now plus b/3 minus b/3. जैसे करके हमने यहाँ पे दोस्तों ये माइनस जेड को प्लस माइनस जेड करके लिखी है. सिमिलरली प्लस वी विल राइट इट एज माइनस b/3 एंड देन वी विल राइट प्लस माइनस c. सो हमारी क्वेश्चन है दिस एंड दोस्तों इसको हम एग्जैक्टली सेम मैनर से वी विल एक्सपैंड इट. सो चलिए आइए इसे लिखते हैं. सो द फर्स्ट टर्म इज, ये है हमारी x, ये है हमारी y एंड ये है हमारी z. सो द फर्स्ट टर्म इज x स्क्वेयर a बाई 2 स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ये है हमारी y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. सो अभी दोस्तों हम इसे एक्सपैंड करते हैं. सो a टाइम्स a इज a स्क्वेयर, 2 टाइम्स 2 इज 4. सो पहली टर्म बन गई हमारी a स्क्वेयर बाई 4. नेक्स्ट टर्म दोस्तों माइनस टाइम्स माइनस इज पॉजिटिव, b टाइम्स b इज b स्क्वेयर बाई 3 टाइम्स 3 इज 9. थर्ड टर्म दोस्तों हमारी बनती है पॉजिटिव बिकॉज माइनस टाइम्स माइनस इज पॉजिटिव, c स्क्वेयर. Now, dosto, this term will be plus 2 minus b. So, this term is a negative term. Now, yahan pe dosto, this 2 and this 2 will cancel out. So, numerator mein you have ab, denominator mein you have 3. So, ye term ban jati hai aapki ab minus ab by 3. Now, for the next term, dosto, you have minus times minus will be plus. And then, numerator mein 2bc. डिनोमिनेटर में वी हैव 3. एंड फॉर द लास्ट टर्म दोस्तों यू हैव अ प्लस 2 एंड अ माइनस c यहाँ पे. सो दिस विल बी अ माइनस टर्म. नाउ दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसल आउट. सो यू विल हैव माइनस ac. सो दोस्तों ये हो गई हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ a बाई 2 माइनस b बाई 3 माइनस c होल स्क्वायर की.